वीरगंज को आदर्श नगर स्थित एक कबाड़ी गोदाम में आज अपराह्न में आग लागी भएको छ। अपराह्न 3 बजे को समय में हीरालाल प्रसाद शाह सोनार को प्लास्टिक को कबाड़ी गोदाम में आग लागी भएको पर्सा का डीएसपी वीरेन्द्र बहादुर शाही ने जानकारी दिएका छन्। सोनार ने अरु को जमीन भाड़ा में लिएर संचालन गरेको प्लास्टिक को कबाड़ गोदाम में आग लागी हुँदा करीब 1,50,000 बराबर को क्षति भएको हुन सक्ने अनुमान गरे। प्रारंभिक अनुसंधान का क्रम में आगलागी करीब 1,50,000 बराबर को क्षति होने सकने डीएसपी शाही ने बताया छन्। आगलागी को कारण भने खुल्न सकेको छैन भने स्थानीय बासिंदा प्रहरी र अग्नि नियंत्रक को टोली ने झंडे 1.25 घंटा भित्रमा आगो नियंत्रण में लिएको बताइएको छ।